चारा तले छोड़े गए ओकरी पास 500 रुपया लेथिन 500 रुपया लेके हिया 500 रुपया भाड़ा लगा के 500 रुपया उनका दे गौशाला में पीछे मोदी सब कुछ दे है का ना दे है क्या नाम है आपका हुसैन अहमद जी हुसैन अहमद भैया सरकार ये कह रही है दावा भी कर रही है कि हमें सारी व्यवस्थाएं दे रहे उसके बावजूद ही आपके गांव के वाले चिल्ला रहे हैं कि कोई व्यवस्था नहीं है क्या कहेंगे आप इसके बारे में यही कहेंगे सर देखिए हमको मूलभूत आवश्यकता जैसे रोटी कपड़ा मकान तो है ही है स्वास्थ्य संबंधी अगर देख लें ग्रामीण क्षेत्रों में जच्चा बच्चा डिलीवरी वाली केसेज होती हैं जी 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 तो वैसे मूल सुविधाएं हमारे यहाँ बिल्कुल ना के बराबर पहली चीज तो जागरूकता नहीं है जी जी एनेमिया कुपोषण या चाहे जो भी समस्या हो तो यहाँ ये सुविधाएं जैसे पास में अभी जल्दी में मेरे भाई का ऑपरेशन हुआ 70,000 रुपया लगा डिलीवरी वाले केस जी, जी, जी तो ऐसी सरकार से क्या उम्मीद करें स्वास्थ्य संबंधित हो गया शिक्षा संबंधित मान के चलिए हमें क्या चाहिए स्कूल में प्राइमरी स्तर में बच्चे अच्छे सुविधा शिक्षा पाए दो चीज हो गया स्वास्थ्य शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कम होने के चलते आए दिन विवाद होता है जबरा मारे रो न दे ऐसी स्थितियां होती है तो ऐसे में थाना स्तर तहसील स्तर ये सब सुविधाएं चाहिए मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्रों में थाने में जाइए अभी किसी की सुनवाई नहीं होती है आपस में विवाद में बिना जैसे सिर पैर के लड़ाई लड़ लेते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में डोमेस्टिक वायलेंस इतना है घरेलू लोगों में इतना ज्यादा है कि कोई एक भी मतलब कोई मुद्दा नहीं रहता लेकिन लड़ते रहते हैं तो जागरूकता तो ये चीज कहाँ से जाएगी शिक्षा नाम की कोई व्यवस्था नहीं ग्रामीण क्षेत्र हमसे किसी से मतलब प्रधानमंत्री आएंगे जाएंगे चाहे जो भी भैया सरकार प्राइमरी में इतने रुपया खर्च कर रही है कि सारे बच्चे उसमें पढ़ाई करें लेकिन फिर भी तमाम स्कूलें खुल रहे हैं तो नहीं ये गवर्नमेंट से आप कह रहे हैं कि क्या मोदी सरकार द्वारा हम क्या उम्मीद करेंगे तो हमको चाहिए क्या स्वास्थ्य शिक्षा एजुकेशन नाली बनी हो ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे जो पात्र हैं कॉलोनी की अगर बात कर लीजिए तो कॉलोनी के पास बेचारे काफी लोग ऐसे हैं आर्थिक किसी दिन भर रोजी रोटी दिन भर कमाते हैं तो शाम को चूल्हा जलता है बेचारे का तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं अगर सरकार के माध्यम से मिलता है तो मतलब मिलता है ऐसा नहीं है हम ये नहीं कहेंगे बिल्कुल नहीं मिलता है वही मतलब जैसे पात्र हैं उनको पहले प्राथमिकता देना चाहिए सुनिए ठीक है ये दोष सब किसका है सरकार का है सरकार तो आएगी नहीं नहीं तो सरकार दावा कर रही है तो किससे उम्मीद है शिक्षा सुरक्षा सम्मान रोजी रोजगार सारी पढ़ाई में ये सब ये चीज हमको नहीं मिल रही दावा कर रहे चलिए ठीक है और बात करते हैं इधर आइए मोदी सब कुछ दे है का ना दे है महंगाई इतना तेज कर दे है महंगाई करे है इतना तेज महंगाई कहाँ महंगाई है छोटा राशन अरे 2000 रुपया देता है कुछ नहीं नहीं पाते आप मतलब वो कह रहे हैं हम 2000 रुपया देते हैं कुछ नहीं लगता और उसके बाद सबको खाने की हम लोग ना पाए कुछ नहीं मिलता है तो क्या बताएगी बताइए सरकार फिर आने वाले चुनाव होने वाला है अखिलेश यादव अखिलेश अखिलेश आएंगे तो आपको ऐसा है अखिलेश उनका जुटाओ उनका ले आओ तो ये डबल इंजन सरकार कमजोर है का हाँ कमजोर सरकार महंगाई यार ओ पेंशन ना मिलता है तो सरकार पेंशन करो बनवाओ सरकार का करे सरकार ना कर गांव प्रधान चाहिए तो गांव प्रधान करो तो ना सरकार भाई तू का जाने गांव प्रधान गांव गांव करे तो के बनाएगा मकी रोज जाए तो 6.5 लाख बार ये भाई ये प्रधान ना बनाएगा सीआर सरकारी पीडब्ल्यूडी का तो यार वो कहते हैं सुना तो ये कहती हैं या मैडम जी कहती हैं कि अब सरकार बदलब तो आए ये कहती हैं तो सरकार के हो चाहिए जे मेरा सरकार सतावे के सतावे सरकार ने हमने आलू देगा उसी को सतावे हम अभी के सतावे किलो आलू कह दे तो आलू पैदा ना हो सरकार का करे आलू किलो हां 20 रुपए किलो 40 रुपए किलो आलू हां भरा आलू प्लेस के मोदी के राज में इतनी महंगा भरा हां अब बड़ा महंगा भर रहा तो अब की सरकार मतलब कितना महंगाई आएगी वह हर चीज महंगा तो सरकार ना ठीक है ना ठीक है ना ठीक है अरे भाई सब चीज जो दे रहे सब ठीक है दूरी करी थे खाक मिला था कहां पाव बतावा हां तो महंगा
मतलब यहाँ बहुत ज्यादा समस्या है, आप लोग पीड़ित है, पूरा फसल खा ले। आने के बाद देख लिया हम लोग का घर दुआर, हम लोग कोई आता नहीं है, नहीं सोलह सत्रह साल विधवा भाई माँ बैठ के पेंशन ना बनी गया। सही है, जो पेंशन बनी भी है वो भी नहीं आ रही है, वो भी नहीं आ रही, कट गई है। ऑर्डर दिया था, ये कुछ ना दिया था, ये कुछ भाई ये क्या गलती है, मोदी गलती, मोदी का अगर यहाँ आवे कुछ सुल्तान राजबाबू अको दिन दिखाई पड़ी के राजबाबू राज बनाए तू ही सब जने यहाँ के भाई कहीं ने को दिखाई भी क्या समझता है कौन है, पब्लिक के देखे चाहे कि ना देखे चाहे। आए अब गौ छोड़ दे, यहाँ गौ छोड़ा दे, यहाँ गौ को हरा सरा देखा था, खेत बाड़ी चल ले, दो हजार रूपए कहाँ दे दिया, गुदा मार गया, अब ऐसे तो हाथ कैदा मार दे दूला थी, चला जेल का था। तो भाई एक अच्छी छोड़े तोरे सब छोड़े महेश, उन्हें उन्हें तो मोदी छोड़ा था, ये किस पे ये कुछ दे नहीं वो का ये कुछ दे नहीं आ रहा। सबसे बड़ी समस्या है आए दिन ये जेड आदमी एक वृद्धावस्था के आठ दस आदमी वो है बैल से बहुत शिकार हो चुका है। भाई भैया मेरे ये बताओ सरकार तो छुड़ाई नहीं है, नहीं वो समस्या नहीं है, छुड़ाई नहीं है, प्रतिबंधित किए हैं उसको, कोई रोक मार पीट करके कहीं ले नहीं जा सकता है, उसका बचाव कुछ समस्या समाधान है कि नहीं। मलिकपुर बखरा एक गांव है, बहुत बड़ा वो है बाउंड्री गौशाला, जी जी जी, ये बताइए पूरे तक सबको उसको ले जाके ओलिया के और वही में जो चारा हो रहा आता है उसको जो रहते हैं बेच के खा लेते हैं और सब मर जाते हैं। संजय छोड़ देते हैं, सबेरे ले गई है संजय, छोड़ गई है। तो भैया मेरे चचा ये बताओ क्या कमी आई, प्रबंध करे ना के कराए, योगी करे और के करे, योगी मोदी करे और के काहे वे करे भाई, काहे न करियो, हां और के करे, अखिलेश करे यार, केहू अखिलेश काहे करे, अखिलेश काहे करे भाई, जे रहा है वो है करे। आम जनता या किसान उससे परेशान है तो उसका कुछ समस्या का समाधान है, कैसे छोड़ दे छोटे भैया, चुनाव आ रहा है, चारा तलक छोड़ेगा, ओकरी बाद 500 रुपया लिए थिन, पाँच सौ रूपया लेके यहाँ, पाँच सौ रूपया भाड़ा लगा दिया, पाँच सौ रूपया उनका दिया गौशाला में, पीछे पीछे फिर चला आवत, पीछे पीछे फिर चला आवत है। तब तो बढ़िया समस्या है, इतनी समस्या कैसे तो कर रहे, एक निदान कैसे पाबा बताओ, चुनाव होता है जे आए अबे तू से किया भैया, अखिलेश सही है, अब अखिलेश अखिलेश एक सीटें कहाँ है, अरे पिछले सरकार कहा किया, अरे बहुत छप्पन सीट पाए रही है, कहा न पाए, अच्छा जीते जीते भैया, अच्छा आप लोगों का आशा अखिलेश जोड़ काम करके कहा जी, योगी मोदी जी, ये फिर से जन्म ले लिया न कह पाई, वो छोटा बड़ा सब को देखता है, कहाँ जीत पाई है, कहाँ जीत पाई है, तीन दस चार दाम तो पकड़े ना आई, अब मार दे का जान से तो मोदी होगी आज खवाई हमें सबका, या हमारे बच्चे खवाई है, बताओ भैया। हाँ भैया, सरकार जो आनी चाहिए वो समाजवादी की सरकार आनी चाहिए, समाजवादी सरकार कैसे आए, सरकार समाजवादी की आनी चाहिए, कांग्रेस से मिल गए कैसे मिले, कांग्रेस सुनो बता रहे हैं, जब संगठन हो गया एनडीए गठबंधन का जी जी, तो समाजवादी की सीट और कांग्रेस की सीट जब एक, कहने का मतलब आपका मतलब समाजवादी यहाँ पर मौजूद है, ये देखिए गांव में बहुत पीड़ा है, सरकार सारी व्यवस्थाएं दे रही उसके बावजूद भी ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है, बहुत दिक्कत है, ये लोग काफी इकट्ठा हो चुके हैं, मतलब यहाँ पर सरकार भेज रही है लेकिन जाता कहाँ है, सरकार गरीबों के नाम पर सब कुछ भेजती है लेकिन इनको मिल रही है, जितनी भी महिलाएं ये देखे इधर दिखा दीजिए, इनके घर दिखा दीजिए, इनके सारे व्यवस्थाएं दिखा दीजिए, कितना पिछड़ा है, मतलब सरकार दावा करती है कि सारी व्यवस्था दे रहे हैं, यहाँ पर आज तक कोई बता रही है महिलाएं कि यहाँ इनके पास न राशन की व्यवस्था है, न रहने की व्यवस्था, न कर तो सरकार की व्यवस्थाएं जाती कहाँ है, इसीलिए यहाँ पर मौजूद है, 2024 चुनाव होने वाला है।